मैं आज बहुत सारी हेडलाइंस लेकर आया हूँ, लेकिन आप बताइए इस घर की हेडलाइंस। गौर से देख लीजिए इस आदमी को। अलग छे भाई इस घर की कहानी, हर कोई राजा यहाँ हर कोई रानी, वो पट्टी वाला है मछली सा यानी, पंगे जोड़ेगा तो याद आएगी रानी, धक धक दौड़ेगा दिल सुबह शाम, रात में नींद ना दिन में आराम, भेजा फिर आया किसी को सताया तो हो जाएगा टोटल लॉस। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस कमिंग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम, मैं हूं आपका दोस्त आशु स्मूथ खान। एक्चुअली आपको पता है बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट हो गया है और इसको जो होस्ट कर रहे हैं वो हमारे झकास यानी अनिल कपूर कर रहे हैं, लेकिन आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। आपको पता है जो सलमान भाई होस्ट करते थे तो जो सलमान भाई के जो जेलेसी रखने वाले इंसान है वो कुत्तों की तरह भौं भौं हर वक्त करते थे, हर एक चीज पर उनके कोई ना कोई एलिगेशन जरूर लगाते थे, सलमान ने ये कर दिया तो पेशल्टी की तो ऐसा किया वैसा किया, हर चीज भौंकते थे। लेकिन जब अनिल कपूर इसको होस्ट करने आए तो वही स्पेशल वही की बात कर रहा हूं जो सलमान खान से जेलेसी रखते हैं, उन्होंने अनिल कपूर की बड़ी तारीफ की, अनिल कपूर आए तो ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया। लेकिन जब इसका फर्स्ट वीकेंड का वार आया ना तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि अनिल कपूर किस तरीके से होस्ट कर रहा है। देखो सलमान खान की होस्टिंग जो है ना वो कोई नहीं कर सकता, बिग बॉस विदाउट सलमान नथिंग यार जीरो है। बिग बॉस आज यहां पर है उसको ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ सलमान खान है। जो वीकेंड के वार में सलमान खान आते थे ना वो चाहे उनका एटीट्यूड हो उनका स्वैग हो उनका बोलना उनका कॉमेडी करना वो हर एक एंगल खतरनाक जबरदस्त लोगों को मजा देता था, जिसको चाहते थे उसकी वाट लगा देते थे, ये भी जानते थे कि आज के एपिसोड होने के बाद सुबह उनको ट्रोल किया जाएगा। वैसे तो ये ट्रोलिंग भाई 35 सालों से झेल रहा उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग बाहर निकाल दिए थे लात मार के वो सुबह अपने इंटरव्यू में बोलते थे सलमान खान ने उनके साथ ऐसा किया मैं उनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो आए और चले गए फिर भी सलमान खान पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि रियल सुल्तान दबंग कोई है वो बॉलीवुड के सलमान ही खान है। तो सलमान खान का हर एक वीकेंड के वॉर में आप देखो वो इमोशनल सीन हो वो कॉमेडी सीन हो वो किसी से मस्ती करना मजाक करना किसी की क्लास लगाना हर एक चीज जबरदस्त थी जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन ये सारी चीजें मिस हुई जब अनिल कपूर इसके ओटीटी पे होस्ट करने के लिए आए। आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा किस तरीके से डरे सहमे अनिल कपूर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज्यादा डर लगती है, ना खुल के वो हंस सकते हैं ना खुल के वो कुछ बोल सकते हैं, और सलमान खान चाहे वो गेस्ट आते थे चाहे कोई सबकी क्लास लगाते थे और सबसे मजा लेते थे सबसे फिरकी लेते थे और दिल खोल के लेते थे। यही चीज लोग मिस कर रहे हैं कि ये नले भूखे जो हैं कूदने वाले ये कूदेंगे, इनको लग रहा है कि जबरदस्त अनिल कपूर ने किया है। उनका कहना है ये तो अभी ओटीटी के होस्ट हैं वो मेन होस्ट भी अनिल कपूर हो जाएंगे सलमान खान नहीं करेंगे। पहली बात तो हम लोग खुद नहीं चाहते सलमान भाई इस बॉस करें, उनके पाइपलाइन में एक से बढ़कर एक फिल्में हैं वो सारा फोकस अपनी फिल्मों का दें। बहरहाल रही बात अनिल कपूर की वो भी होस्टिंग ना तो 100% मान लेना ये बिग बॉस सीजन जो है फ्लॉप होगा, लिख के ले लो यार। मैं एक ही चीज जानता हूं कि सलमान खान है तो बिग बॉस है, वरना सलमान खान बिना बिग बॉस बिल्कुल नहीं है। ये जितने लोग बिग बॉस के लवर्स हैं जो बिग बॉस को देखते हैं उनको सबको पता है, जो ओटीटी वाला एपिसोड देखे होंगे वो लोग मिस कर रहे होंगे सलमान खान को। 100% मैं लिख के देता हूं कि सलमान खान ऐसी होस्टिंग कोई नहीं कर सकता यार। बहरहाल आपने सलमान खान का तो हर एपिसोड देखा है, उनका हर एक चीज देखा है, अनिल कपूर का भी आपने फर्स्ट ओटीटी देखा है, हर एक चीज जैसा कि छोटी छोटी क्लिप आपको देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी क्योंकि आप बिग बॉस लवर हो, जाहिर सी बात आप देखोगे जरूर वो चाहे कोई होस्ट करे। तो आप मुझे ये बताओ कि सलमान बेस्ट है या अनिल कपूर बेस्ट है। और मैं एक चीज बता दूं, सलमान खान का तो कोई कंपेयर किसी से है ही नहीं, वो बंदा अलग लेवल का है। बट बताना ये जरूरी था कि जो नल्ले भौंकने वाले हैं सलमान खान के बारे में वही भौंक रहे हैं अनिल कपूर को लेकर, वो चाहे कितना बुरा भी होगा तो भी बोलेंगे क्योंकि उनके बाप की बात है सलमान खान की ना।